नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में। जी हाँ गाइज, आपको बता दें कि 31 दिसंबर के बाद काफी सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो काम करना बंद कर देंगे। तो आखिरकार वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड कौन से हैं जो काम करना बंद कर देंगे? जी हाँ गाइज, यदि आपके पास भी कुछ इस तरीके के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है जो कि जिन पर मैग्नेटिक स्ट्रिप है और जिन पर कोई चिप नहीं दी गई है, वो क्रेडिट डेबिट कार्ड 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे। मतलब 31 दिसंबर तक तो चलेंगे मिडनाइट, उसके बाद वो क्रेडिट डेबिट कार्ड काम करना बंद कर जाएंगे। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका है, आप अपने कार्ड को 31 दिसंबर से पहले अपग्रेड करा लीजिए इस तरीके के कार्ड में जिस पर चिप दी हुई हो। तो दोस्तों, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कार्ड को चेंज करवाने की, कार्ड को रिप्लेस करवाने की? आपको बता दें कि जो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड होते हैं, इनकी क्लोनिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी की सभी इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम इसको स्वैप करते हैं तो वहां से वो इस स्ट्रिप को रीड करता है और आपके डेटा को एक्सेस करता है। उसके बाद आपके अकाउंट से लिंक हो जाता है, वहां से आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। गाइज, क्या होता है कि जब आप इसको स्वैप करते हो तो ये जो स्ट्रिप है, जो आपका डेटा है, वो डिवाइस पर रह जाता है और हैकर्स क्या करते हैं, अपने किसी दूसरे कार्ड को स्वैप कर देते हैं। तो आपके कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके कार्ड पर आ जाती है, बोले तो वो आपके कार्ड की क्लोनिंग कर लेते हैं। लेकिन जो डिजिटल कार्ड होता है जिस पर इस तरीके की चिप दी होती है, वहां पर क्लोनिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए RBI ने गाइडलाइन दी है। दोस्तों, 2015 में RBI ने बढ़ते हुए फ्रॉड को रोकने के लिए कार्ड रिप्लेसमेंट की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड को चिप वाले कार्ड में रिप्लेस किया जाना था। तो गाइस, 3 साल का समय दिया गया था, जो कि 2018 को कंप्लीट हो जाएगा, 31 दिसंबर 2018 को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। सो गाइज, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी भी काफी समय पड़ा है। अगर यदि आपके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप है या फिर आपके पास नेट बैंकिंग ऐप है, आप वहां से भी कार्ड के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको बैंक में विजिट करना होगा और आप अपने न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बैंक तो ऐसे जो हाथ के हाथ आपको डेबिट कार्ड दे देते हैं, कई बैंक ऐसे हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास काफी समय है, आराम से जाके अपने कार्ड को रिप्लेस करा लीजिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि देखिए, होगा क्या, यदि आप 31 दिसंबर तक आप अपने कार्ड को चेंज नहीं करवा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ट्रांजेक्शन उस कार्ड से नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी आप अपने कार्ड को रिप्लेस करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर से पहले ही कराना है। कहने का मतलब यह है कि 31 दिसंबर के बाद वो कार्ड काम करना बंद कर जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं करा सकते, आप 31 दिसंबर के बाद भी चेंज करा सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि गाइज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि गाइज इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।